वेलकम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आज है जी 18 अप्रैल, दिन है मंडे का। तो आज हमने सोचा है कि आज हम अफ्तारी जो है फैसल मस्जिद में करेंगे। तो बस मैं रेडी हो चुका हूँ, आप देख सकते हैं। तो चीज़ें मेरी घर में मैंने कहा बना के ले जाता हूँ, फ्रूट हम बाहर से ले लेंगे। तो अवैस भाई को भी साथ लेना जाते हुए, तो इंशाल्लाह मिलते हैं फैसल मस्जिद में। और आज का व्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, आप बहुत इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं जी, ये पकौड़े बन रहे हैं और ये कुछ पकौड़े बन गए हैं। बस जैसे ही ये पकौड़े निकलते हैं तो हम चले जाते हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है। मेरे ख्याल से 5 बज गए हैं, बाकी ये थोड़ा सा सामान पड़ा हुआ है। और ये है जी लोबिया चाट, तो आज हम लोबिया चाट भी साथ लेके जाएंगे, और अवैस भाई भी कुछ चीज़ें साथ लेके आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह आज का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार, इंशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो इसके साथ एक और डिश है पुदीने की चटनी, वो भी बस पुदीना डाल दिया है, बस थोड़ी देर तक पुदीना धनिया डाल दिया, रेडी होने वाली है। तो बहुत ही मज़ेदार चटनी है, गर्मा गर्म पकौड़े। ये है जी हमारा लोबिया चाट, ये है जी हमारी मज़ेदार पुदीने की चटनी, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़ेदार है। ये है जी दूध सोडा, ये कोल्ड ड्रिंक है जी। बस अभी हम पैकिंग करने लगा हूँ, तो इंशाल्लाह अभी जल्दी हम निकलेंगे। तो ये चाट मसाला साथ लिया जी, अगर कम पड़ गया तो ये डाल लेंगे। ये देखें जी, अभी बस हम जाने लगे हैं और वैस को लेना जाते हुए ये चीज़ें मैंने ले ली हैं, तो अभी बस मैं निकलने लगा हूँ। तो इंशाल्लाह अब अवैस को लेते हैं, हम अवैस के घर पहुँच चुके हैं, तो अभी बस उसको साथ लेते हैं। तो फिर इंशाल्लाह ये अवैस आ गया। बल्कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जी। लेते तो चले जी, वैस रेडी हो चले, हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, वैसे हमारा लेट प्लान बना है, तो अभी हम बस निकलने लगे हैं। जी तो गाइस, इस वक्त हम इस्लामाबाद के हदूद में दाखिल हो चुके हैं। तो बहुत ही अच्छा मौसम है, बहुत प्यारा मौसम है, आप देख सकते हैं बादल बने हुए हैं, ठंडी हवा चल रही है और बहुत ही मज़े का मौसम है, दिल खुश हो गया। जी तो गाइस, आप देख सकते हैं ऊपर इस फैसल मस्जिद का बोर्ड लगा हुआ था। बस अभी हम करीब पहुंच गए हैं, बहुत ही करीब पहुंच गए हैं। यहां से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि फैसल मस्जिद नज़र आती है या नहीं, उसका मीनार थोड़ा सा आगे जाके शायद नज़र आए, तो चलें देखते हैं। जी तो गाइस, अभी हम काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं, देखें कितना प्यारा व्यू है, बहुत ही ग्रीनरी है इस्लामाबाद में, बहुत मज़े का व्यू है, दिल खुश हो जाता है। वो देखें सामने हमें फैसल मस्जिद का मीनार नज़र आया था, वो देखें फैसल मस्जिद नज़र आ रही है हमें। बस अभी हम बहुत ही करीब पहुंच गए हैं, यहाँ से तकरीबन 2 मिनट का सफ़र है, तो अभी हम पहुँच गए हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत खुशी हो रही है। ऐसे पाकिस्तान में, ये पूरे पाकिस्तान में बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, काफ़ी दूर से लोग आते हैं देखने के लिए। मस्जिद है फैसल मस्जिद, यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ की आबोहवा बहुत मज़े की है, सच्ची दिल खुश हो जाता है। और रमज़ान में आने का तो मज़ा ही अलग है। जी तो गाइस, ये फैसल मस्जिद के करीब, बिल्कुल करीब ही एक छोटा सा पार्क है, आप देख सकते हैं इसमें आपको हिरनियाँ चलते हुए नज़र आ रही होंगी, चहलकदमी करते हुए घास खा रही हैं, काफ़ी लोग इनको देख रही हैं, कुछ उस साइड से भी देख रहे हैं। ये देखें सामने 2 लोग हैं जो देख रहे हैं बाइक खड़ा करके,
बिल्कुल फैसल मस्जिद के करीब है। ये गाइस फाइनली हम फैसल मस्जिद पहुंच चुके हैं। ये आपको बाहर के व्यूज़ दिखा रहे हैं। काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पे घूमने फिरने के लिए। देखें काफ़ी खुला ग्राउंड है। ये वैसा है, ये आप देख सकते हैं। ये देखें गाइस फाइनली पीछे फैसल मस्जिद आपको नज़र आ रही होगी। माशाल्लाह बहुत बहुत ऊंचे मीनार हैं इसके। देखिए काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा कुछ नीचे हैं। अफ्तारी का भी इंतज़ाम मौजूद है लेकिन हम तो अपनी साथ लेके आए हैं। जो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड पे काफ़ी ग्रीनरी है, बहुत अच्छा ये गाइस आप देख सकते हैं। फैसल मस्जिद के बहुत ही ऊँचे मीनार हैं, बहुत ही मज़े का माहौल है यहाँ का। बहुत दिल खुश हो गया सच्ची देखकर। आप भी ज़रूर आइएगा, विज़िट कीजिएगा। ये देखें काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं, कपल आए हुए हैं, पूरी पूरी फैमिलियाँ आई हुई हैं अफ्तारी करने, कुछ घूमने फिरने, सैर तफरी भी हो जाती है, घूम फिर भी बंदा लेता है। और रमज़ान में अफ्तारी भी होगी है, अफ्तारी का इंतज़ाम मौजूद है यहाँ पर, बहुत अच्छा खुला इंतज़ाम है। लेकिन हम अपनी ले कर आए हुए हैं, देखें लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हुए हैं। यह वैस है ये जी, अभी अफ्तारी का टाइम हो गया है तो ये अभी हमने जो थोड़ा सा सामान लाया हुआ था वो रख दिया है, अभी हम अफ्तारी करेंगे। ये अवैस भाई हैं, ये बहुत ही प्यारे दोस्त मिले हैं हमारे लाहौर के हैं काशिफ भाई। ये इधर मेहमान आए हुए थे, घूम फिर रहे थे तो हमने कहा भाई आप हमारे साथ अफ्तारी करें। बाकी भी ये देखे सारे लोग बैठे हुए अपनी अपनी अफ्तारी ले के। आगे अफ्तारी का इंतज़ाम है वो आगे वो उन्होंने किया हुआ है, लेकिन कुछ लोग अपनी ले के आए हैं, वैसे इंजॉयमेंट के लिए आते हैं। ये देखिए अभी लाइटें भी ऑन हो गई हैं तो अभी इंशाल्लाह बड़ा अच्छा माहौल बन जाएगा। जब थोड़ा सा वो रोज़ा अफ्तारी के बाद ना अंधेरा आएगा ना तो फिर देखना बहुत मज़े का व्यू बनेगा। तो ये अभी अभी नमाज़ पढ़ी है, नमाज का टाइम हो गया था तो फिर नमाज़ पढ़ी है। तो ये वैस भाई हैं, काशिफ भाई भी साथ ही हैं, तीन में अभी नमाज़ पढ़ी है तो कुछ लोग अभी पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं पीछे तो अभी चलते हैं। जी तो गाइस आप देखें कितना मज़े का व्यू नज़र आ रहा है, सारी लाइटें ऑन हो चुकी हैं, सारे लोग रोज़ा अफ्तार करने के बाद नमाज पढ़ चुके हैं और आप मस्जिद में चहल कदमी कर रहे हैं, मस्जिद में खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें देख रहे हैं, यहाँ के माहौल से लुत्फ़ानंदोज़ हो रहे हैं। मस्जिद के अंदर के व्यूज़ भी बहुत मज़े के हैं, लेकिन वो इस वक्त बंद किए होते हैं, उन्होंने सिक्योरिटी होती है, नहीं जाने देते रैंडम बंदे के अंदर। तो ये देखें बच्चे खेल रहे हैं, लाइटें ऑन है, मीनार बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी मस्जिद लग रही है। ये देखें आप, बहुत मज़ा आया फ्रेंड्स, दिल खुश हो गया, यकीन करें कि सुकून मिला, मज़ा भी आया और इंजॉय भी किया। ये नीचे वज़ू करने की जगह है, वो सामने बच्चा वज़ू कर रहा है। ये नीचे तालाब है लेकिन यहाँ पर फिलहाल पानी नहीं है, खुश्क है, तो अगर यहाँ पे वो जब उसको पानी इसमें डाल। अच्छा तो गाइस अभी हमने जाने का प्लान बना लिया, काफ़ी हमने घुमा फिरा है, अभी काफ़ी लेट हो गई है तो असल प्लान भी हमारा काफ़ी लेट बना था। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आएँगे इस पर एक वीडियो और बनाएंगे फैसल मस्जिद पे। ये एक छोटा सा व्लॉग था लेकिन फिर भी लंबा हो गया। ये देखें काफ़ी अभी लोग आ रहे हैं इसको देखने के लिए, फैमिलीज़ के साथ आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं। अभी हम बस एक